हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी। तो चलिए आज हम सीखते हैं क्वेश्चन जो है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाए हैं। और जो आज है प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास, जो आपको बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे इसको। तो ये जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये 8-10 दिन में क्या होने वाला है, दीपावली है। और दीपावली में क्या होता है, तो सभी आदमी सामान खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं? बिल्कुल खरीदते हैं। तो दुकानदार आपको किस तरीका से चूना लगाता है, तो ये आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पर, उसके बाद क्वेश्चन में जाके पूरा क्लियर कर देते हैं। तो बोलेगा क्या, चलो कहा, अरे दोस्त की दुकान है, मामा का दुकान है, वहां जाएंगे कमे में सामान हो जाएगा। चल तो गए भाई साहब, आप तो सामान लिए हैं, तो आप तो वाजिब है कि आप सामान लिए हैं तो प्रॉफिट नहीं दीजिएगा, तो कम से कम किराया मूल तो दीजिएगा जब उसका लागत मूल है। आखिर वो आपको लागत मूल बताएगा तब ना भाई, मेरा इतना है लागत मूल में क्या बोलेगा भाई, आप मेरे प्रिय ग्राहक, आप मेरे मित्र हैं, ग्राहक नहीं आप मेरे मित्र हैं, मेरे आप रिश्तेदार हैं, आपसे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, जितना खरीदे हैं ना उतने में हम आपको दे देंगे। सलाना टंगी कैसे होता है दिखाएगा आपको, कैसे आपसे इनकम लेता है, कैसे आपसे अधिक पैसा लगा, वो करे मूल्य में ससुरा बता देगा, यदि जो 400 का है वो बोलेगा कि 500 खर्च के लाया है, और देखते हैं दूसरे को 700 बेचते हैं, 600 बेचते हैं, आपसे 100 रुपया तो भी बढ़ा के ले लेगा। कैसे बढ़ा के लेगा, कैसे आप अपना आदमी किस तरीका से आपसे पैसा लेता है अधिक करके, ये आपको पता ही नहीं चलने देगा कैसे। तो देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन वही टाइप का क्वेश्चन लाए हैं दिवाली में, बम फोड़ने वाले क्वेश्चन। कैसे ये देखते रहिए क्वेश्चन के साथ, कैसे धमाल मचता है दुकानदार, बेसन वाला कैसे ठक लेता है, कैसे देखिए क्वेश्चन। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% का लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए दुकानदार कितना भाई होशियार है, ये यदि आप सीख गए ना तो आप रिश्तेदारों वाला दुकानदार को नहीं ठगने दीजिएगा। तो रख लेना भाई पूरा होगा। देखिए कैसे कितना दे रहा है, 10% छूट देकर कितना लाभ कमा रहा है, 8% लाभ कमा रहा है भाई। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, नहीं है क्लियर तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं होगा? अरे भाई एमआरपी कितना, सोचिए एमआरपी कितना, 100%, यही ना लिखते हैं एमआरपी कितना 100, ये होना चाहिए। उस अस्पताल क्या करता है, बोलता है कि 10% का छूट देता है। अरे भाई बात, 10% का छूट दिया तो बेचा कितना में, एसपी कितना, 90 लो भाई 90। यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, शॉर्ट तरीका बताएंगे, थोड़ा तो देख लीजिए कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो आपको सिखा रहे हैं। कितना बेच लिया, 10% छूट दे के बेच लिया 90। अब भाई 90 में जो बेचा है 90 में, ये नहीं कि ये आपको बेचा है, इसका मतलब इसमें लाभ भी कमाया है। कितना का लाभ कमाया, 8%, ससुरा दे ले है 8% का लाभ कमाया है। अब पता कैसे चलेगा लाभ कमा, अब भी जो पता चलेगा, अब तो सीपी निकालना पड़ेगा इसका रियल में क्या रेट था। अरे भाई साहब लीजिए सीपी लिख दीजिए प्यार से, अरे सीपी में कितना लिखिएगा भाई साहब, एसपी तो दे ले है 90, पहले तो यही लेना पड़ेगा ना भाई, इसी पे सर पता चलेगा अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा। अब टेंशन से मुक्त हो जाइए, अपने आप में कितना 100 ना भाई, 100 तो था पिछले में निकाले थे, पहले पिछला क्लास में परसेंटेज में बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों बता दिए, एसपी और सीपी कैसे निकालते, अरे लाभ कितना लिया है 8% ना, नीचे में लिखिए 108, काट मार कीजिए भाई आंसर निकल के चला आएगा, इसको कट मार कीजिएगा ना आपको आ जाएगा 83.3 और कुछ भी है 3 तक ले लीजिए। कोसी को दिक्कत हुआ क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। अरे भैया खरीदे हैं एमआरपी बैठा है 100 रुपया, बेच रहे हैं 83 में, बेच रहे हैं ना, लाभ कितना का हो रहा है, लाभ हो रहा है 16.7 हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे घटा लीजिए ना 16, कहां से हो रहा है भाई साहब,
83.3 से हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा भाई साहब, गुना में जमे करते हैं 100 होता है, अरे ये हटेगा तो नीचे में 10, ये जाएगा तो ऊपर में 10 हो गए, ये 10 से ये 10 कैंसिल। जब इसको आप काट मार कीजिएगा ना मेरे दोस्त, ये इसको काट मार कीजिएगा 100 से को, तो 20.04 के आसपास आएगा, देख लीजिए आएगा। इसको अप्रोक्स में भी लिखते हैं 20%, ऐसे करके अप्रोक्स होता है कितना 20%। समझ में आ रहा है कितना क्या था वृद्धि? अंकित मूल में लागत मूल की कितनी वृद्धि करनी होगी, कितना वृद्धि किया तो 20% का, वो क्या किया है तो वृद्धि करके रखा है भाई साहब, आपको जो बताया ना रेट 20% अधिक करके रखा था। समझ में आ रहा है? ऐसे आप तो पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल है आपको पते है, और इस चैनल पर यदि इस तरीका से बनाए अच्छा लगता है क्या लगेगा? यहाँ ये वाला नहीं चलेगा, तब बोलिएगा क्या चलेगा भाई साहब, आपको बताते हैं क्या चलेगा, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता भाई साहब, ये वाला कॉन्सेप्ट जब चलने लगे तब तो कहानी खत्म है, तब तो दूसरे जगह पढ़ने से फायदा है। देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका देखिए, टाइप दो, इसे ही बोलते हैं ट्रिक, TRIC, कैसे लिखते हैं ना ES में आता है पढ़ने के लिए, उसको देख लीजिएगा ट्रिक में। देखिए क्या MRP कितना, MRP कितना लिखिएगा, MRP इधर लिखते हैं MRP, ये लिखकर भाई बात क्या लिखना पड़ेगा ना, बड़का लिखाता है यहाँ MRP कितना भाई साहब, किसी को दिक्कत है क्या? है दिक्कत? अरे भाई दिक्कत है क्या बोलिए, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब रे भाई वाह, लाभ कितना का, छोड़ दीजिए भूल जाइए 10% छूट दिया है, ये सोचिए कि 10% छूट दिया है फिलहाल, बाद में सोचेंगे, अभी सोचेंगे 10% कितना 8% का लाभ हुआ, अरे भाई वाह 8% का लाभ हुआ, गुना कर देंगे 108। अब बट्टे में क्या देंगे भाई साहब, अरे किस पे छूट देगा, अंकित मूल पे ना छूट देगा, देगा या नहीं देगा, इसमें से 10% को छूट कर देंगे कितना बच जाएगा 90, लो भाई होगी, अरे इसको कटाइए 0 से, इसको कटाइए 12 से, और ये हो गया आपका 120। बोलिएगा पगलेले है का, 120 निकल के, अरे भाई से पगलेले सब में तो पड़ता है, MRP आपको पता है 100 माने थे, कितना माने थे MRP कितना माने थे 100, MRP में सारा काम हो रहा था, अब कितना देखिए ये MRP यदि यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखना था, चलिए दोनों जगह में एक ही जगह, ये आपको समझाने के लिए ऊपर में लिखे नहीं तो यहाँ पर भी, टाइम बचाना है, अरे भाई साहब देखिए कितना 100 बढ़ कितना है 20 बढ़ रहा है ना, 100 रुपया में खरीदे थे बढ़ाए थे 100 रुपया MRP छापे हैं, अब कितना छापना पड़ गया 120, बोलिए भाई, अरे 120, अब तो आपको पते है लाभ बराबर निकालना पड़ता है, पड़ता है ना लाभ बराबर बड़का बाप है ना छोटका बाप, अरे 120 में से 120 में से 100 घटा देंगे तो 20% नहीं बचेगा भाई साहब, 20 रुपया बच गया तो आपको यदि परसेंटेज में बोलेगा तो 20 नहीं होगा भाई साहब, क्या याद भी है। देखिए ये वाला तरीका शॉर्ट तरीका, बस इतना ही काम करना था, यही आपको करना था, ये आपका आंसर था। समझ में आ रहा? तो देख रहे थे कि मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं है, कहीं कभी एक बार ऐसे रिकॉर्ड कर रहे थे तो आके पढ़ना शुरू कर लिए थे, पता चला क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, रिकॉर्डिंग था ही नहीं स्टार्ट, तो इसलिए जाके देखना पड़ा कि कहीं रिकॉर्डिंग तो बंद तो नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए फिर देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को कैसे, रिश्तेदार से बच के रिश्तेदारी दुकान पे जाइएगा तो चूना भी बोलेगा नहीं लगेगा, चूना तो लगेगा भाई पर वह चूना दिखेगा नहीं, बोलेगा आपसे क्या करेंगे फायदा लेके, आपको तो इस तरह आप तो अपना आदमी है भाई, उसको पचे नहीं चलता है अपना आदमी को भीतरिया चूना कैसे लगाता है, समझे कि नहीं समझे, समझ तो गए होंगे। अब दूसरा मार्कर्स लेना पड़ेगा,
चलिए लिख देते हैं ब्लैंक के से क्या दिक्कत है। दूसरा रूप में क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि 10% छूट देकर भी अंकित मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अरे भाई बात सेम क्वेश्चन लाए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना था, कैसे दिक्कत होगा ये बताइए, होगा क्या? तो नहीं होगा मेरे दोस्त। कैसे? एमआरपी कितना है? एमआरपी, अरे भाई साहब बोला गया 10% का छूट देंगे, कब देंगे? एमआरपी पर ना लिखिए ना, एमआरपी कितना हो गया? अरे एमआरपी पे छूट दिए हैं, कितना पर? एमआरपी पे कितना प्रतिशत का? 10% का। तो बेच रहे हैं कितना पे? सिंपल सोचिए, बेच कितना रहे हैं? 90। बेचे कि नहीं बेचे? बेच दिए। अब बोल रहा है क्या 20% का वृद्धि करना है। लो भाई साहब, अब नया एमआरपी कितना हो गया? ये नया का हो गया कितना? 20% करेंगे 120। सोचिए ना भाई साहब, ऐसे किए हैं, नहीं समझ में आ रहा ना? तो 20% मतलब क्या? 20% इसको ऐसे करेंगे, जब भी बोलेंगे 120% मतलब क्या? इसमें बढ़ा देंगे, ये कट गया 120 आ गया, नहीं आया समझ में। अरे ऐसे भी समझ लीजिए, 100% तो पहले था, अब 20% का वृद्धि किए, किए 120%, ऐसे निकालिए ऐसे निकालिए, दोनों तरीका से सेम है। अब पूछा क्या, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा? भाई साहब तो वृद्धि तो हो गया, क्या हो गया? देखिए पुरनका वाला 100, नवका वाला कितना? 120। बेचिबे कितना किया है? 90 है ना। अरे डिफरेंस तो यही दोनों के बीच में निकालना पड़ेगा, कितना का डिफरेंस हुआ? 30 का हुआ या नहीं हुआ? हो गया मेरे दोस्त। अब देखिए 30 तो बढ़ा, कहां से बढ़ के गया? 90 से ना बढ़ के 120 आया। नीचे में क्या चाहिए? 90 चाहिए, लीजिए गुना क्या चाहिए? 30 का 30 30 किया 90, इसको दीजिएगा 33 1/3। लंदी वाला जो बनाए थे शुरुआत में वैसे भी आप बना सकते हैं, शॉर्ट कोट में आप इस तरीका से बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, जो कि पहले आपको बताए थे, पहला क्वेश्चन को पहला टाइप उस तरीका से, ये दूसरा टाइप था, पहला क्वेश्चन का दूसरा टाइप उसी मेथड से ये बनाए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिएगा, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई साहब? हाँ चलिए 3 नंबर क्या कह रहा है, 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपया है, तो 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? इसे भी दो तरीका से बना सकते, हम तो इसे 3 तरीका से बना देंगे, पर चलिए फायदा है नहीं 3 तरीका 4 तरीका से बना देने से, तो आपको 2 तरीका कम से कम बता देते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप वो करिएगा। कहा गया है 30% लाभ लेके विक्रय मूल्य 1950 है, कितना है? 1950, कितना प्रतिशत? 30% ना, तो लिखेंगे 130%, 130% मतलब कितना था? 1950। अरे भाई साहब ये क्या है विक्रय मूल्य, हमको क्या चाहिए पहले? क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य कितना? अपने आप में 100%, क्रय मूल्य चाहिए हमको 100%। लो भाई 1950 / 13 = 30 कितना गुना 100, अरे इसको कटाइएगा, इसको कटाइएगा, 13 का 13 13 5 65, ये निकल के चलाया कितना? 1500। आपका सीपी कितना हो गया? 1500। सीपी 1500। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगा मेरे दोस्त, दिक्कत कहाँ, दिक्कत के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं। अब बोला क्या क्या, अब 40% लाभ लेके बेचिएगा। अरे भाई बात 40 पकड़ो रहे का, तो सीपी पे 40% यही ना, 1500 पर 40% लेगा। अरे 140 / 100 कीजिए ना भाई साहब, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुआ,
14 पंच कितना होता है 70, बच गया 7, और 14 7 होता है 21, 14 7 होता है भाई साहब 21। ये कैसे हो, बोलिएगा काम खत्म हो गया क्या? ना रे भाई बा, खत्म कैसे होइलवा? देखिए कितना बोला गया, क्या विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाएगा? अरे भाई कितना बढ़ाया जाएगा, पहले कितना था, पहले कितना था 1950, अब कितना है 2100, कितना बढ़ाया, बढ़ा हुआ ना, बढ़ा हुआ मूल्य यही है ना, बढ़ा हुआ कितना में से, अरे 2100 तो अभी हुआ, अरे कब से 1950 में घटाना पड़ेगा, 2150 घटाएंगे भाई साहब 150 रुपया नहीं बढ़ेगा, 150 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। लो भाई 150 बढ़ गया, इसको ऐसे बनाइएगा, अच्छा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसको दूसरे तरीका से कैसे बनाते हैं सोचिए, इधर लगा दे क्या, चलिए इधर लगा देते हैं, क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा इधर से, किधरों से हटाना पड़ेगा, चलिए इधर दिखाते हैं, झलक दिखला जाओ। देखिए 30% के लाभ लेके 1950 में बेचता है, 30%। लो भाई 130 बटा बराबर कितना 1950, दिक्कत है नहीं दिक्कत, 100% जरूरी है निकालने के, 140% निकाले, 40% लाभ चाहिए तो 140 निकाले, कोई बात नहीं। लो भाई 140 1950 गुना 140, इसको कटाइए, ये हो जाएगा आपका 15-12 का पता 1,13,55, इसको गुना कीजिएगा 2100। अरे भाई साहब अब दोनों फिर यही मामला आ गया, इन दोनों का क्या करेंगे, घटाएंगे 2100 1950, अरे 1950 150, ये ओल झोल करने से बढ़िया है 100 निकालो ये निकालो डायरेक्ट, ये नहीं करेंगे, इतना दूर में काम नहीं खत्म होगा, देखिए होगा या नहीं होगा, और ये भी लिखने का कोई जरूरत नहीं था, अरे भाई 2100 यहाँ है और इसमें 1950 है, कितना घटाएंगे 150 पड़ जाएगा, बस क्या कुछ था नहीं है, समझिए मैं कौन कहता है भाई, समझाने के लिए जो सही से समझा दिया तो हो गया, मैं खत्म। लीजिए 4 का क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए देखिए सेल 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 लग गया, सेल वाला क्वेश्चन आ गया, किधर गया भाई सेल में, कितना नंबर क्वेश्चन चला पता चला क्या, ये चला था 30% के बाद कितना आ जाएगा, चलिए सेल सेल लग गया, अब चलिए कपड़ा का सेलिंग करते हैं हम लोग, कहा गया है एक व्यक्ति ने सेल में वस्तु खरीदते समय 45 रुपया खर्च करता है और 5% 5 रुपया की बचत करता है, तो उसकी बचत का प्रतिशत क्या है? भाई साहब सबसे क्वेश्चन आसान है तो ये क्वेश्चन है, लंदी बुझा रहा है, थोड़ा सा लंदी है, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। एक व्यक्ति सेल में वस्त्र खरीदते समय 45 रुपया खर्च करता है और 5 रुपया बचत करता है, भाई साहब सोचिए कि 45 जब भी खर्चा हम कर दिया, मेरे पास 5 रुपया यदि बचा हुआ तो टोटल रुपया मेरे पास कितना था 50, अरे 45 खर्च किए हैं 5 रुपया मेरे पास बच गया, टोटल कितना है 50, बचा कितना रहे 5 रुपया बच रहा है, लो भाई कितना बचा रहे 5 रुपया बचा, कहां से बचा रहे हैं 50 रुपया से बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं, लो भाई बा 45 रुपया खर्च किए 5 रुपया बचा लिए, ये तो खर्च है ना, ये क्या किया बचत है, यदि हम दोनों को जोड़ देंगे दोनों पास तो मेरा तो प्लस ही होगा ना, अरे कपड़ा उपाय खरीदे घाटा में थोड़ी लगेगा, कितना हो रहा है 50, यही 50 में ना ये 5 बच रहा है, 5 यदि बच जाएगा जितना बच जाएगा उसको ऊपर, कितना में से बचा है 50 में से, 50 नीचे में, अरे गुना कितना
100 काहे गुना किए 100 प्रतिशत मिलाने के लिए ये से ये कटा दिए कितना 50 से कटाएंगे 100 कितना बार कटेगा दो बार में 5 दूनी कितना 10 ये 10 प्रतिशत ना हो गया। अरे सबसे आसान क्वेश्चन ये था मेरे पेपर इसमें तो ना कुछ नहीं था इसमें कहीं बीच में क्वेश्चन ये घुसा दिया था पता नहीं चलता लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का और लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो उसके बाद आएगा नया चैप्टर नया क्वेश्चन के साथ ये लास्ट वाला है थोड़ा ध्यान से देखिएगा कहा गया है अंत भला तो सब भला बढ़िया से सीख लीजिए और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है और थोड़ा लंबी भी क्वेश्चन है बढ़िया से समझा देंगे बढ़िया से सीख लीजिएगा अच्छे तरीका से काम आएगा। देखिए क्या कहा गया मेरे दोस्त इसे आप समझने का प्रयास कीजिए ठीक ना। इसमें कहा गया मेरे दोस्त ये एक व्यापारी नगद भुगतान पर अंकित मूल्य की 10% की छूट देता है तद अनुसार उसे 17% के लाभ प्राप्त करने हेतु तो अपनी चीजों के अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखनी चाहिए। समझ में क्वेश्चन तो नया आया होगा मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। बोला गया कि यदि नगद लीजिएगा ना तो अंकित मूल्य में 10% का छूट देता है नगद। अभी दशहरा दुर्गा पूजा तो दशहरा तो चल गया दीपावली छठ में लोग सब कपड़ा लेने के लिए मार करेगा और जिसके यहाँ उधरवा खाता चलता होगा वो तो और उधरवा खाता वाला बोलेगा कि हम जो है आपसे 10% बेसी लेंगे आप पैसा दीजिएगा दो महीना के बाद तो आपसे 10% बेसी लेंगे नहीं लेगा बोलबे नहीं करेगा वो बोलेगा हाँ ले जाइए ना कपड़ा ले जाइए ना आपसे आपको कभी रोके हैं अरे रोकने कहाँ से कीजिएगा वैसे आप पैसा भी लिए हैं तो देखिए कैसे करता है तो वो अंकित मूल्य पहले क्या करता है वो लागत मूल्य में करेगा क्या जिसका उसका लागत मूल्य है ऊपर अंकित मूल्य कर करेगा ऊपर से भी वो टैक्स जोड़ लेता है दो महीना का ससुराल ब्याज वो आपको पता नहीं चलने देगा तो कितना 10% का छूट देता बोलता है क्या आप यदि नगद लीजिएगा तो आपको 10% का छूट दे देंगे उसमें भी 10% छूट दे के भी 17% का क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है भाई साहब लाभ प्राप्त कर रहा है। तो इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ में आ जाएगा। देखिए आपको एक ही मेथड से बताएंगे आसान बोला गया है लास्ट भला तो अंत भला तो सब भला बेसिक दिमाग इसमें पच्ची कीजिएगा तो घिसा जाइएगा समझ में आएगा सिंपल सा लॉजिक लीजिए छोटा सा में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सीपी कितना होगा भाई साहब पहले खरीद बुलाएंगे ना तब ना बेचेंगे सीपी कितना या तो किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि 10% का छूट देता है तद अनुसार 17% का लाभ कमाता है। अरे भाई बा जब भी छूट देगा एम आर पी पे देगा या नहीं देगा ये समझ। अरे भाई साहब 100 रुपया समझिए प्यार देखिए 17% लाभ है तू अपनी चीज में कितना मूल्य अंकित लागत से करेगा ज्यादा करेगा बेसी सोचना नहीं भाई साहब 17% लाभ लेना है 117% के माने होता है 100 भूल जाइए और प्रतिशत मतलब 100 होता उसमें 10% का छूट देने हैं। अरे 10% का छूट देने हैं तो 90 नहीं हो जाएगा समझ में आ रहा है आ तो गया होगा ये से ये कटा दीजिए 13 × 17 से ये हो गया 130। अब बोलिएगा भाई बाप जो वस्तु 100 रुपया हम खरीद के लाए थे ना उसका एमआरपी यदि हम 130 कर देंगे ना तो 17% का लाभ भी हो जाएगा 10% का छूट भी हो जाएगा। समझ में आया कि 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होगा कब कि जबकि एमआरपी मेरा 130 रहेगा तब। अब बोलिएगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा यही ना पूछा है। अरे भैया यहीं से लॉजिक निकल के चले आ रहा है आपको। अरे 100 में खरीदे हैं 130 में एमआरपी करके रखे हैं कितना बढ़ोतरी करते हैं 30 ऐसे नहीं समझ में आया
तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 130 माइनस 100, तब इधरों को कीजिएगा कि ये हो जाएगा 30। अरे भाई वाह, 30 बटे कितना 100, ये वाला 100 चाहिए, तो प्रतिशत में लाना है, गुना में भी 100 चाहिए। अरे ये कट गया तो 30 प्रतिशत नहीं हो गया भाई वाह। कोनो दिक्कत हुआ, समझाने का तरीका अनेक है, पर आपको किस तरीका से समझ में घुसता है ये कोई यदि पकड़ ले तो गणित आसान हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी चैप्टर यदि आपको बड़ा लगता हो उसे बार बार पढ़िए, उस पर दिमाग दीजिए, हमसे छूट क्या रहा जो हमको समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन ये ढूंढना शुरू कर दीजिएगा उस दिन आप सक्सेस हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।